हाय गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल। आज है 3 दिसंबर, तो हम अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं कल के लिए, कल के ट्रेड का एनालिसिस के लिए, कल ट्रेड क्या बन सकते हैं 4 दिसंबर को। आज एक न्यूज़ आया है, आज इलेक्शन रिजल्ट था, 4 स्टेट का इलेक्शन रिजल्ट था, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना, फ्रॉम व्हिच 3 स्टेट हैज ओन्ड बाई बीजेपी एंड 1 स्टेट ओन बाय कांग्रेस। तो तेलंगाना स्टेट का गवर्नमेंट भी चेंज हो गया, तेलंगाना स्टेट में पहले जो गवर्नमेंट था अभी कांग्रेस आ गया, एंड 3 स्टेट अच्छा लीड से बीजेपी जीत गया। तो इसका बहुत ही बड़ा एक इम्पैक्ट आएगा हमारा मार्केट में, व्हिच मे बी अ गुड इम्पैक्ट, बट हम लोग इसमें प्राइस एक्शन का डिस्कस करेंगे। अभी क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, तो इज इट गुड फॉर मार्केट और नॉट, हम लोग कल देख सकते हैं। बट इफ यू क्लोजली ऑब्जर्व निफ्टी, देन यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द मार्केट ट्रेंड। निफ्टी ऑलरेडी ब्रेक ऑल टाइम हाई बिफोर अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन रिजल्ट। दैट मीन्स जो भी बड़ा खिलाड़ी है ऑलरेडी मार्केट फैक्टर्ड हो गया। ये चीज दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट पहले से उसका इंफॉर्मेशन रहता। मार्केट इज मोर फास्टर देन द न्यूज, न्यूज बाद में आता, उसके पहले मार्केट में न्यूज हो जाता। तो मार्केट को क्लोजली ऑब्जर्व करते तो हम लोग एक व्यू बन सकता है। ऑलरेडी मार्केट फैक्टर्ड हो गया, तो इसको दिमाग में रख के कल के लिए हम लोग सोचेंगे। तो अभी सब जहाँ पे देखेंगे ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है उधर में ही रिवर्स होने का चांस ज़्यादा रहता। तो ये हम नहीं बोल रहे कि मार्केट कल गैप डाउन होगा, सरप्राइज देगा कि मार्केट गैप अप होकर नेगेटिव ओपन होगा, वो नहीं बोल रहे। बट वो चीज़ आपको दिमाग में रखना पड़ेगा जब आप ट्रेड ले रहे हैं, जब आप पोजीशन बना रहे तब आपको वही चीज दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी ह्यूज रिटर्न ऑलरेडी दे दिया। आप इधर से देखेंगे तो एटलीस्ट कितना कैंडल है, 24 बार्स, 24 कैंडल में निफ्टी ऑलरेडी गिवेन 7% रिटर्न। ओके, ये ऑल टाइम हाई में चला गया। तो बैंक निफ्टी का थोड़ा नीचे है, बैंक निफ्टी थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है निफ्टी से। बैंक निफ्टी की भी देखेंगे तो 24 बार में बैंक निफ्टी मोटा मोटी 5.6% रिटर्न दी थी, तो एक अच्छा रैली आ गया दो ही इंडेक्स में। तो बैंक निफ्टी का अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बैंक निफ्टी अभी भी ऑल टाइम हाई बनने के लिए बैंक निफ्टी को ट्रेवल करना पड़ेगा, एटलीस्ट 3% मूवमेंट करना पड़ेगा। तो हम लोग लास्ट जो डिस्कशन किए थे, लास्ट हमारा जो डिस्कशन था उसमें हम लोग बताए थे ये एक बड़ा कैंडल बना था 29 नवंबर को, जो स्विंग हाई क्रॉस करके क्लोज दिया था। आफ्टर दैट मार्केट एक पुल बैक लिया, इंटर डे में पुल बैक लिया था। हमने सोचे थे जब बड़ा कैंडल बनाया उसके बाद मार्केट अब पीछे नहीं जाएगा, मार्केट गैप अप मार्केट, जैसे इधर में जो कंडीशन बनाया था इधर में हम लोग देख सकते हैं सेम ऐसे वाला कंडीशन, मार्केट गैप 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 करके ऊपर चला जाएगा। और ऐसा हो सकता है, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो मार्केट में 2-3 पॉज कैंडल देगा, इधर 2-3 पॉज कैंडल देगा। जस्ट देखिए, नहीं तो क्या कर सकते हैं, मार्केट इधर में 2-3 पॉज कैंडल बना सकता था, इधर 1-2-3 पॉज कैंडल बना के ऊपर जा सकता है। दिस इज द 2 कंडीशन। बट अभी का जो सिचुएशन आ गया, मार्केट ए स्विंग हाई क्रॉस करके क्लोज दिया था, देन मार्केट इंटर डे में रिटेच किया था, एक अच्छा डिप मारा था, क्लोजिंग के टाइम ऊपर में जाके क्लोज दिया। उसके बाद अभी क्या हुआ, नेक्स्ट डे में एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल
किया है एंड दिस ग्रीन कैंडल इफ यू चेक द प्राइस एक्शन इन 5 minute time frame, then you can observe the situation. Now we'll go to the 5 minute time frame. If you go to 5 minute time frame, then you can easily identify the price action. देखिए क्या किया था निफ्टी निफ्टी ए बैंक निफ्टी क्या किया था देखिए एग्जैक्ट ए लेवल पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था. प्रीवियस डे में मार्केट में एक अच्छा खासा ट्रेंड बना था. उसके बाद नेक्स्ट डे मार्केट गैप हुआ था, होने के बाद नीचे आया, रिटेच किया, देन मार्केट एक लाइन पे कंसोलिडेट करने लगा. नेक्स्ट डे मार्केट क्या किया, थोड़ा गैप अप दिया था एंड इधर में देखिए क्लोजिंग कैंडल था, बड़ा ग्रीन कैंडल, गैप अप देके नीचे आया थोड़ा, देन नेक्स्ट तो ए है मार्केट का क्लोजिंग कैंडल. आफ्टर दैट मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, ओके, किसी को घुसने नहीं दिया, डायरेक्ट ऊपर चला गया एंड प्रीवियस डे हाई जो प्रीटेंड था उसके सामने जाके कंसोलिडेट किया. मार्केट पूरा दिन इधर में कंसोलिडेट करके क्लोज दे दिया. ओके, तो दिस इज द ट्रेंड. मार्केट ऊपर गया, कंसोलिडेट कर किया, एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिल गया. मार्केट ऊपर गया, फिर से कंसोलिडेट कर रहा है. ओके, तो अभी हम लोग क्या सोच सकते हैं, अभी हम लोग यही सोच सकते हैं कि अभी हम लोग क्या सोच सकते हैं, हाउ वी आइडेंटिफाई और कल के लिए हमारा ट्रेड क्या बन सकता है. देखिए कल के लिए हम मेरा कुछ सपोर्ट रेसिस्टेंट मैं बना के रख देता तो वो ओपन करता पहले. देखिए ये एक रेसिस्टेंट जोन है, इसके सामने ही मार्केट क्लोज दिया. ठीक है, तो अभी इलेक्शन का रिजल्ट आया तो अभी हम लोग तीन कंडीशन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट कंडीशन इज इफ द रिजल्ट इज गिवन अ पॉजिटिव इंपैक्ट टू द मार्केट, तो तब आपको रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं मिलेगा. मे बी मार्केट क्या करेगा, सोचिए मार्केट इधर में गैप अप ओपन हो गया. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मार्केट क्या करेगा, सोचिए इधर में मार्केट गैप अप ओपन हो गया इतना दूर, सोचिए अभी 44,800 है, 45,000 इज अ गुड रेसिस्टेंस जोन, तो मार्केट 45 को ऊपर जाके ओपन हुआ, तब आपको रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलेगा. कैसे मिलेगा, ऊपर ओपन हुआ सोचिए ऊपर चला गया, तब आप ट्रेड नहीं बना सकते. कैसे बनाएंगे, आपको रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, आपको अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना पड़ेगा. कैसे वेट करेंगे, आप ऊपर गया जाने दीजिए, एक घंटा वेट करिए, मार्केट थोड़ा रिटेच होगा, सोचिए मार्केट थोड़ा रिटेच हो रहा है, होने के बाद ऐसा करके जब भी ऊपर जाएगा, नहीं तो एक बड़ा कैंडल डे हाई को क्रॉस करेगा, देन यू कैन एंटर दैट पोजिशन. एक कंडीशन बन सकता है. नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकता, नेक्स्ट कंडीशन हो सकता मार्केट फिर से फ्लैट ओपन. दिस इज द बेस्ट कंडीशन, मार्केट सोचिए फ्लैट ओपन हुआ, चांस बहुत ही कम है. इफ फ्लैट ओपन हो के क्रॉस कर दिया फर्स्ट 5 मिनट कैंडल, देन यू कैन टेक द अपॉर्चुनिटी, एक स्मॉल क्वांटिटी बाय कर सकते. ठीक है, देन ऊपर सोचिए आपका फेवर में जा रहा है, तब आप तो पोजीशन बनाएंगे, फिर से कंसोलिडेट होगा, तब आप धीरे धीरे पोजीशन बना सकते. आप सोचिए ऊपर गया एक पोजीशन लिया, फिर से रिटेच होके नीचे आया, फिर से सेकेंड हाफ में मार्केट गैप मारा, डे हाई क्रॉस किया, तब फुल लोड कर सकते हैं पोजीशन को, बाइंग पोजीशन. ठीक है, अब क्या हो सकता है, तीन नंबर कंडीशन क्या हो सकता, सोचिए मार्केट गैप अप मारा, कंटिन्यूअसली नीचे गिर जाए, तब आप बाई नहीं ले सकते हैं. क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था, लास्ट टाइम मुझे जो पता है 2019 को क्या हुआ था, मार्केट ह्यूज गैप अप मारा था, बीजेपी जीता था, उसका पॉजिटिव इंपैक्ट आया, बट रेड कैंडल में मार्केट क्लोज दिया था निफ्टी. अब देख सकते हैं, तो ऐसा कंडीशन होगा तो बहुत ही रिस्क होगा, ओपन गैप अप ओपन होगा, रिटेच करके डे हाई क्रॉस करेगा, तभी आप बाई पोजिशन बनाइए, नहीं तो मत बनाइए.
आपको फिर से अपॉर्चुनिटी मिलेगा, मार्केट अपॉर्चुनिटी देता रहता, तो आपको वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रख के ट्रेड करना पड़ेगा। एंड थर्ड कंडीशन क्या हो सकता है, थर्ड कंडीशन होगा सोचिए मार्केट गैप डाउन मार दिया, तो दैट इज द ह्यूज डेंजरस। गैप डाउन मारा मतलब आपको पोजीशन, सब लोग पोजीशन कट करेगा, मार्केट बहुत रिटेच कर सकते हैं मार्केट, तो आपको वेट करना पड़ेगा। बट पुट साइड में भी आप ट्रेड नहीं ले सकते क्योंकि एक बड़ा ट्रेंड पिछले डे में ले लिया था, वो ट्रेंड को ब्रेक करने का मतलब है वो ट्रेंड का नीचे क्लोज देगा, तभी आप सेल साइड में ट्रेड ले सकते हैं। सोचिए नीचे गया, नीचे जाते रहा, तो आप कॉल सेल कर सकते बहुत दूर का, एंड पुट का भी दूर का सेल करके रख सकते, इसमें ट्रायंगल पोजीशन आप बना सकते। दिस इज द थ्री कंडीशन वी हैव डिस्कस्ड। नाउ देखेंगे टुमारो क्या हो रहा है। सो आप जब भी ट्रेड ले रहे हैं रिक्स रिवॉर्ड देख के ट्रेड लीजिए, रिक्स को फेवर में रख के ट्रेड लीजिए, एंड पोजीशन साइजिंग को ठीक करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।